नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटेटिव स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक की भर्ती के लिए अध्याचन मांगा गया है जितने भी स्कूल हैं बेसिक शिक्षा विभाग से। तो पहले हम वो अध्याचन देख लेते हैं, आखिर मांगा क्या गया, उन्होंने क्या डिटेल स्कूलों से मांगी है। तो ये प्रेषक है, इसको शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश शिक्षा सामान्य बेसिक अनुभाग प्रयागराज से भेजा गया है और भेजा गया है मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश को। तो इन्होंने इसका सब्जेक्ट यह है कि सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के पदों का अध्याचन प्रेषण के संबंध में। अगर आप इसकी डेट देखेंगे तो ये 22/7/2020 की डेट का, आज ही के डेट का ये लेटर है। इसमें इन्होंने कहा है कि उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्रांक दिनांक 29/6/2020 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि संदर्भगत पत्र द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त मंडलवार अध्याचन का विवरण संलग्न कर प्रेषित करते हुए शिक्षा निदेशक बेसिक महोदय द्वारा आपको निर्देशित किया गया था कि अपने मंडल के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में रिक्त प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के पदों की सूचना प्राप्त कर एक सप्ताह में निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, किंतु उक्त निर्देशानुपालन में आप द्वारा प्रकरण में वांछित अध्याचन इस कार्यालय को अभी तक प्रेषित नहीं किया गया है। मतलब ये मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक जी ने अभी तक एक हफ्ते, जो 29 तारीख से एक हफ्ते के अंदर इनको करना था, लेकिन इन्होंने नहीं किया था। तो इसी संबंध में दूसरा लेटर है। उच्च स्तर से प्रकरण में दिए गए निर्देश के बावजूद भी प्रकरण की अनदेखी किया जाना अत्यंत ही खेदजनक है और उच्चाधिकारियों की धोतक है। यहां तक भी उल्लेखनीय है कि शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक दिनांक 20 जुलाई 2020 द्वारा जनपदों से प्राप्त सूचना को संकलित कर दिनांक 24/7/2020 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। अतः उक्त वर्णित स्थिति में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण की महत्ता एवं गंभीरता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा निदेशक बेसिक महोदय द्वारा दिनांक 29/6/2020 को दिए गए निर्देशानुसार निदेशालय के पत्रांक 30/12/2019 द्वारा प्रेषित अध्याचन प्रपत्र पर ही जनपद में संचालित शेष वांछित अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों की सूचना अध्याचन प्रत्येक दशा में दिनांक 23/7/2020 तक, मतलब कल की दिनांक तक, ईमेल जो भी इन्होंने ईमेल दिया है पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्त के अतिरिक्त अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर जनपदवार इस कार्यालय को प्राप्त एवं वर्तमान में शेष वांछित विद्यालयों के अध्याचन का विवरण भी पत्र के साथ संलग्न है। तत्क्रम में निम्नलिखित तथ्यों को अवश्य ही ध्यान में रखा जाए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा प्रेषित जनपदवार अध्याचन को इस पत्र के साथ संलग्न विवरण के कुल मिला के इससे ये मतलब निकल के आ रही है बात सामने कि बहुत ही जल्दी में है विभाग ये जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक की भर्ती के लिए, और इससे संबंधित जो उन्होंने कहा कि विवरण उपलब्ध है, तो ये कुछ मंडल कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी, आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, आजमगढ़, बरेली, चित्रकूट, बस्ती, अयोध्या, देवीपाटन, गोरखपुर और झांसी, ऐसे मंडलों के अध्याचन इनको मतलब जो वहां की रिक्तियां हैं मिल चुकी हैं, और बाकी की रिक्तियों के लिए बाकी मंडलों में जो जिन्होंने अभी सूचना नहीं भेजी है उनके लिए ये पत्र है। जब पूरी सूचना मिल जाएगी तो उसका एक संकलित नोटिस निकाला जाएगा और भर्ती जूनियर हाई स्कूलों में भी स्टार्ट होगी। अब दूसरी खबर हमारी है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के, जिसका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो उसके बारे में हम देखते हैं क्या न्यूज है। तो आपका मुख्य केस जो है 11/198/2020 है, और जितने केस और भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं इससे संबंधित 69,000 से संबंधित सारे केसेस इसी 11/198 में मतलब टैग किए जा रहे हैं, और जिसकी सुनवाई 24 और 25 को रखी गई है। और जहां तक न्यूज ये आ रहे हैं निकल करके कि 24-25 में कोर्ट की सुनवाई कंप्लीट कर दी जाएगी। अगर आप देखेंगे स्क्रीन पे तो ये सारे केसेस आपको यहां पे एक साथ संलग्न जितने भी केसेस की संख्या है, जैसे 68/41/2020 स्पेशल अपील है, फिर 68/47/2020, इसी तरह 14/138/2020, ये सारे केसेस जितने आप स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं सारे केसेस इसी में टैग कर दिए गए हैं और इनकी सुनवाई इसी के साथ ही कंप्लीट कर दी जाएगी। तो इसका कुल मिलाकर के मतलब ये निकल रहा है जितने भी इस केस को बहुत नजदीकी से देख रहे हैं उनका
टोटल अर्थ यही निकल रहा है उनके कहने के मुताबिक, ये समझ में आ रहा है कि ये केस 24 और 25 में फाइनल हो जाएगा। जहां तक है बहुत ज्यादा होगा तो एक आध डेट हो सकता है और लगे, वो भी तब जबकि 25 तारीख को शनिवार पड़ रहा है और उस वजह से हो सकता है कि ये केस मंडे या ट्यूजडे में जाए, तो वही डेट एक्स्ट्रा पड़ेगी। बाकी और अब इस केस में ज्यादा डेट पड़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस केस को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता और दूसरी सरकार भी इस केस की कंप्लीट करके भर्ती कंप्लीट कराना चाहती है। तो जो 67,867 व्यक्ति सिलेक्टेड हैं, 68,700 समथिंग जो व्यक्ति सिलेक्टेड हैं, उन लोगों के लिए खुशखबरी बहुत जल्द आने वाली है। इसलिए बहुत ज्यादा परेशान न हो और 24 और 25 तारीख का वेट करें, इसी में यह केस फाइनल हो जाएगा। तो आज की सूचना यही थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको इस चैनल की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।